हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं हिट्रो स्पॉइलर चैनल से अल्टीमेट थग लाइफ ऑफ नाना पाटेकर। ओके, सो नाना पाटेकर वन ऑफ मोस्ट वर्सटाइल एंड वेरी गुड एक्सलेंट लेजेंड एक्टर है ना। तो चलो उनके जो मतलब सैवेज रिप्लाइज हैं, थग लाइफ वीडियोस हैं, उनका कंपाइलेशन हम इसमें देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, तो आज मैं लेके आया हूँ नाना पाटेकर की ठग लाइफ। अब जितना टाइम मैंने क्लिप्स कलेक्शन करने में, एडिटिंग करने में और वॉइस ओवर करने में, इन सब में लगाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी उस टाइम का अगर 2% भी वीडियो देखने में लगाएंगे तो कुछ नहीं यार, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे व्यूज से मतलब है और आपको मनोरंजन से। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। देश के नौजवान सड़कों पर निकले हैं, कई बार लीडरशिप के साथ, कभी बिना लीडरशिप के साथ, और उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय लगाया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। नहीं, बिल्कुल करेंगे, आखिरकार ताकत तो हमारी यही है ना। हम तो अभी थोड़े दिन के बाद आशीर्वाद के लिए ही रहेंगे ना, और क्या मतलब आप, मैं तो चलूंगा इनके साथ। नाना पाटेकर की मूवी वेलकम बैक की प्रमोशन के लिए नाना और उनकी टीम आई हुई थी, तो उस दौरान नाना से कुछ सवाल किए गए जिनके जवाब सुनकर भाई मुझे तो मजा आ गया। पिछली फिल्म में ये इंटरव्यू यार, पूरा इंटरव्यू मैंने देखा है, क्या जबरदस्त था। अरे यार, दोनों में करने नहीं मिला, क्या बात कर रहा है। नहीं, कुछ करने जाओ तो ये बीच में आता था, मैं गया तो छोड़ो यार, क्या हमारे दुख हमें मालूम है। Oh wow! What a savage! Action or comedy? क्या prefer करेंगे? गलत सवाल करोगे तो action, सही सवाल करोगे तो comedy. बहुत सही. Big Marul, be honest. ये बच्ची को जब selection इसका हुआ, अनीस, तो मैंने कहा ये बच्ची अच्छी है, तू क्यों नहीं? तो वो मुझे कहती है कि मैं आपके प्रेयसी का रोल अदा करने वाली हूँ, आप बच्ची क्यों कहते हैं? मैंने कहा बेटे एक्टिंग करनी है, इसके पैसे मुझे मिलेंगे, असल में तो कुछ कर नहीं सकता। आप सभी से एक सवाल है कि इस काले के पीछे का राज क्या है? कपड़े आपने काले पहने, ये हमारे जहन का रिफ्लेक्शन है, दिल के भी हम काले हैं और कपड़े भी काले। वाओ यार, ब्लैक ऑलवेज फेवरेट। में पाकिस्तानी कलाकारों को लेके कुछ लफड़े हुए थे कि इनको बॉलीवुड में काम नहीं मिलना चाहिए, जिस पर सलमान खान ने कुछ ये कहा था। वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है। तो इसी के चलते मीडिया नाना पाटेकर से इसी लफड़े से रिलेटेड सवाल पूछ लेती है, और नाना तो भाई नाना है, नाना ने साथ में सलमान को भी बीच में लपेट दिया। विषय हो रहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कई सारा विवाद उठ खड़ा। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश। सलमान ने कहा वीजा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है, दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए। हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान है, हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में। ओह माय गॉड, पटर पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके,
उनकी औकात नहीं उतनी है। Never go with crowd. तो आपकी अदालत में रजत शर्मा नाना पाटेकर की मूवी अटैक ऑफ 26/11 को थोड़ा पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं, तो नाना इस पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और कहते हैं कि इस मूवी से हमारे नौजवान बहुत कुछ सीखेंगे। तो उसके बाद रजत शर्मा नाना से कहते हैं कि मैं अपना इल्जाम वापिस ले रहा हूँ। तो इस पर नाना का क्या जवाब था, आओ देखते हैं। नाना, अगर आपका ये कमिटमेंट है कि इस फिल्म से हमारे नौजवान बच्चे कुछ सीखेंगे, तो ये जो इल्जाम है ये मैं वापस ले लेता हूँ। अरे अब नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब वहाँ बैठी भीड़ में एक चिरकुट बहुत उछल रहा था कि मैं बड़ा स्मार्टली क्वेश्चन पूछूंगा और नाना को चुप करवा दूंगा। अच्छा। लेकिन नाना के आगे तो सबकी बोलती बंद हो जाती है यार। आपने बोला कि आप हिंदू मुस्लिम के बीच फर्क नहीं करते, लेकिन जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में पीटा जाता है तो आप खुल के सामने क्यों नहीं आते? नहीं, आपका बयान हमेशा उसके अगेंस्ट ही होता है। मैंने हमेशा कहा है, मैंने ना तो कोई, एक तो मुझे अव्वल कोई हक ही नहीं बनता कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ या बिहारी हूँ या दिल्ली का हूँ, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, सभी जगह से मेरे रोटी का टुकड़ा आता है, तो मुझे हक नहीं बनता। मैं सिर्फ कलाकार हूँ, मुझे रोटी कमाने का कहीं भी जाके हक है, वैसे किसी को भी है। मेरी रोटी बिहार से भी आती है ना, तुझे दिक्कत है इसमें कोई? नहीं सर, मुझे ये बिहार की न्यूज़पेपर में ये सुर्खियाँ बनी थी कि नाना पाटेकर ने बिहार के अगेंस्ट बयान दिया है। मैं कभी राज ठाकरे का आपने समर्थन किया था? तो पहले बिहार तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है। तो तेरा अकेले का बिहार नहीं। अब नाना पाटेकर बहुत सुर्खियों पर रहते हैं उनके शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो एक रिपोर्टर ने इसी से रिलेटेड उनसे सवाल पूछ लिया, तो आइए देखते हैं नाना का क्या जवाब रहा। इज इट ट्रू कि नाना सर थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है ऑन सेट्स, कभी भी थोड़ा भी कुछ बुरा लगता है? अभी 10 मिनट पहले झगड़ा हुआ है सर, लिफ्ट इधर कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा स्क्रिप्ट हमको अभी हाथ में थमा दे रहे हैं। हमने कहा यार रिहर्सल नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो कंपेयर करने वाला था, मैंने कहा गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा। बाकी गुस्सा तो होता हूं, लेकिन उस गुस्से की वजह से एक दो डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला? बिल्कुल, मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था, नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार वो कहीं मार खाना पड़ेगा तो मैं नहीं। यहाँ जब आया 7वीं कक्षा के लिए, मेरी मौसी है वो टीचर थी, तो सुधारने के लिए मेरी माँ ने गांव से मौसी के पास भेजा। अच्छा। तो अगले साल मौसी ने उसके बच्चे खराब ना हो इसलिए मुझे वापस भेज दिया। अभी आपसे सवाल मेरा, अगर लड़की चाहिए बोले तो हमारी भाभी किस टाइप की होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? भाभी इसको चाहिए और चॉइस हमको पूछ रहे हैं। बदन पे नो ब्रांड्स आया तो पैसे को परछाओ पहले नो थैंक्स, तो जिस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है बहुत फैंस। जैसे कि तुम्हें पता है कि अनु मलिक 61 ईयर्स और नाना की एज है 70, तो मतलब नाना अनु मलिक से 9 साल बड़े हैं। लेकिन नाना पाटेकर के दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो सीधा मुंह पर बोलते हैं, मतलब सीधी बात नो बकवास। तो उसी दौरान नाना सबके सामने अनु मलिक को बुजुर्ग बोल देते हैं, और अनु मलिक वैसे तो बहुत बोलने वाला बंदा है लेकिन उस टाइम उनकी भी बोलती बंद हो जाती है और चेहरा देखने लायक होता है। और ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे बुजुर्ग है, हमारे बुजुर्ग हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि देखो तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि नानो तकलीफों ना डील करना होता है। अब जैसे कि किसी फिल्म प्रमोशन के दौरान स्टेज पर आकर एक दूसरे के परफॉर्मेंस की तारीफ करनी होती है, लेकिन नाना थोड़े यूनिक है यार, ये तारीफ के साथ साथ बेइज्जती भी कर देते हैं। एक होता है ऐसे स्टेज पे आने के बाद एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना पड़ता है, मन में तो बुरा रहता है कि नहीं बोलना है।
मन में जो है वो है ठीक है, लेकिन मुंह से बड़ा मीठा बोलेंगे हम। इस तरह से मतलब अगर 10 पैसे खर्च करने हैं तो नहीं भाई, आप 20 क्यों नहीं कर रहे, 20 करने हैं तो 50 क्यों नहीं कर रहे। जिस तरह से तूने जो कुछ किया है फिल्म के लिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सबकी तरफ से। That was मैंने nice line. बोला था भाई यहाँ आने के पहले मैं तेरे बारे में अच्छा बोलूंगा। <देस्ती। laughs> अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई मीन यार सीरियसली, पहले तो वो होता है ना कि रसगुल्ला दिखा के चाटा मार देना, सेम वही वाली सिचुएशन यहाँ पे नाना पाटेकर जी के साथ रहती है। मतलब यार वो इतने ज़्यादा, एक तो वर्सटाइल एक्टर हैं ठीक है, दूसरी बात मतलब बेहिसाब टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा है। कोई सा भी रोल दे दो, किसी भी टाइप की सिचुएशन दे दो, भाई ही इज़ ऑन, ही इज़ जस्ट ऑन फायर यार। मतलब सो भाई उनकी एक्टिंग देखकर ना आंखों में आंसू भी आते हैं और लगता है कि भाई वो कैरेक्टर, वो हम नकली किसी कैरेक्टर को नहीं देख रहे, कोई जेन्युइन ओरिजिनल पर्सन है ना, और वो हम ओरिजिनल पर्सन की कहानी देख रहे हैं। दूसरी बात, नाना पाटेकर ने जो एक चीज़ कहा था सलमान खान के लिए, सलमान खान के लिए क्या, ये सभी कलाकारों के लिए ही कहा था है ना। हाँ सलमान खान ने जो बोल दिया था बात वो भी सही थी, और लेकिन ये चीज़ रहती है, हमें अगर अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में किसी को चुनना होगा, अपनी कंट्री की ऑब्वियसली यार हम अपनी कंट्री की सुरक्षा को पहले चुनेंगे है ना। तो ये चीज़ है, अभी वहाँ पर उन्होंने बोला कि हाँ जो हमारे देश के असली हीरो हैं वो तो हमारे सोल्जर्स हैं है ना, और हम लोग तो नकली लोग हैं, एक्टर हैं है ना। तो यही चीज़ होती है, ये बात मैंने कई बार अपनी वीडियोस में भी समझाने की कोशिश की है कि स्टार्स भी इंसान ही होते हैं ठीक है, और वो भी क्या बोलते हैं, जो उन्हें स्टार्स आपने ही बनाया है ना, तो उन्हें अपने सर पर मत बिठाओ, क्योंकि उनको सर पर बिठाने का मतलब यही है अर्जुन कपूर जैसे बयान आना। उनको सर पर, स्टार्स को हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही मतलब छूट दे दी थी है ना, तो वो आज ऐसा बोल रहे हैं कि हम वाई कट करने वालों को सबक सिखाएंगे है ना। तो ये नौबत आती ही नहीं अगर सेलिब्रिटीज़ के गाड़ियों के पीछे लोग पागलों की तरह भागते नहीं है ना। सो यहाँ पे यार बहुत ही ऐसे ऐसे सैवेज मोमेंट्स रहे हैं, लाइक आपकी अदालत वाले जितने भी थे, वो आदमी का मुंह क्या ज़बरदस्त तरीके से बंद किया है, कि बिहार सिर्फ तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, पूरा इंडिया, पूरे इंडिया में तुम कोई सा भी प्रांत ले लो है ना, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट प्रांत हो, चाहे साउथ वेस्ट प्रांत हो ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन वो हम सब इंडियन ही हैं। हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, हम किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हों है ना, किसी भी जगह से बिलोंग करते हों, किसी भी नाम से हमें पहचाना जाए, लेकिन हैं तो हम सभी इंडियन हैं ना। और एक इंडियन के मन में अगर दूसरे इंडियन के लिए बुरा आने लगेगा यार, बात तो बड़ी ख़राब है। बात बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। सो बहुत ही ज़्यादा मस्त माइंड ब्लोइंग थग लाइफ वीडियो थी ये। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।